क्या नाम है? पेलन बाबा। पेलन बाबा क्या लग रहा है? पेलन बाबा है, पेलन बाबा क्या लग रहा है चुनाव में? हिलावेला इंडिया जब बाजेला बाया जब सनकेला भोजपुरिया राजा। कौन सिंह कौन राजा? उल्लू आ रहा है कि सब लफुआ उनके साथ है। हाँ लफुआ का है? लफुआ है, बुढ़ोनो तो पहले लफुए था, अब न जाती हुआ है। क्या बोले? बुढ़ोलो पहले लफुए था तब का इस एज से सब कोई गुजरा है। यही जी हमनी के पवन सिंह सुपर स्टार। रोवा सुपर स्टार कहता नहीं, विरोधी लोगों का के नचनिया बजनिया। नचनिया बजन तो मनोज तिवारी है, रवि किशन है, दिनेश लाल निरहुआ है। तो बताइए कि संसद जाकर बैठ गए हैं सांसद बनकर, इन वो नचनिया नहीं हुए, नचनिया हो गए हैं। हम लोग का यही है कि सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा को, महाबली को हम लोग देख लिए हैं 9 से लेकर 14 तक। लेकिन हम लोग चरण का चुनाव जो है 1 तारीख को होने वाला है, लेकिन उससे पहले अभी हम बिहार के सबसे हॉट सीट यानी कि काराकाट में हैं। लोग यहाँ के कह रहे हैं कि काराकाट का नाम आप कभी नहीं सुने होंगे, लेकिन जब से पवन सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं ये काराकाट जो है लगातार चर्चा में है, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो। ये चाचा लो है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। और ये चौराहा है और चौराहा पे जो है बाज़ार लगता है और बाज़ार पे हर जगह के लोग आते हैं। शाम का चर्चा, शाम को चर्चा यहाँ पे जरूर होता है। क्या नाम है चाचा? हमारा जो है चाचा है, दुकान चलाते हैं। हाँ दुकान चलाते हैं। क्या लग रहा है यहाँ? लग रहा है कि मैंने सबसे बढ़िया यही लग रहा है कि हम लोग को 40 साल में कोई आज तक नहीं जानता था काराकाट लोकसभा कहाँ है। कहाँ है देखिए, ये भी बहुत बड़ा मैटर है। ये आने से इनका इतना बढ़ गया है। आने से पवन जी को? पवन जी को। हाँ उपेंद्र कुशवाहा यहाँ सांसद रहे हैं? हाँ सांसद तो रहे हैं 5 साल। हाँ 5 साल रहे थे, 2009 से 2014 तक आते थे। उसके बाद महाबली जी आ गए खाते, तब तो हम लोग सबके देखे हैं। अब किसको देखना है? अब इनको देखना है, एक बार देखिए इनको। इनको? पवन जी को। पवन जी को। कौन जाति से हैं आप? हम शाह जाति से हैं। साहू जी लगाते हैं जी। यही जी हमनी के पवन सिंह सुपर स्टार। रोवा सुपर स्टार कहता नहीं, विरोधी लोगों का के नचनिया बजनिया। नचनिया बजन तो मनोज तिवारी है, रवि किशन है, दिनेश लाल निरहुआ है। तो बताइए कि संसद जाकर बैठ गए हैं सांसद बनकर, इन वो नचनिया नहीं हुए, नचनिया हो गए हैं। हम लोग का यही है कि सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा को, महाबली को हम लोग देख लिए हैं 9 से लेकर 14 तक। लेकिन हम लोग कैंडिडेट बीजेपी हम लोग हैं, लेकिन कैंडिडेट हम उनको नहीं है। ठीक है, यहाँ है कि पवन सिंह को मत देना है। अच्छा, तो मोदी जी भी आए थे तो मोदी जी नहीं बोले कि बीजेपी को, बीजेपी समर्थक पार्टी को वोट कीजिए? कहे हैं लेकिन उनका असर नहीं पड़ेगा। मोदी लहर नहीं है यहाँ? लहर है लेकिन कैंडिडेट के ऊपर लहर नहीं है। लहर काम नहीं करेगा? लहर काम नहीं करेगा। इसको वोट दीजिएगा? ये हम लोग पवन सिंह को। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि पवन सिंह के साथ जो है लफुआ वफुआ घूम रहा है। तो लफुआ नहीं घूम, बुजुर्ग आदमी नहीं नहीं, नहीं बुजुर्ग भी साथ है, नया भी है और बुजुर्ग भी साथ में है। अच्छा, किस मुद्दे पर आप लोग वोट कीजिए? हम लोग इस मुद्दे पर बात करते हैं कि जो पवन सिंह हैं वो अपना दिल खोल कर कहते हैं कि हम मतलब जीत कर भी जाएंगे तो यहाँ पर अपना जो वचन दिए हैं कि एक काम करना है वो काम करना, और विकास के लिए ही बोले हैं कि हम काम करेंगे और कर कर दिखाएंगे। जो हमको महीना मिलेगा वो सब गरीबों के हम लोग लगा देंगे। इसी बात पे आप लोग प्रभावित हैं? इसी बात पर हम प्रभावित, हम लोग सब जानता है। लोग कह रहा है कि भीड़ है, भीड़वा को वोट में कन्वर्ट हो जाएगा? एकदम कन्वर्ट होगा जी, कन्वर्ट होगा। लोग कहा था कि खाली उनका संग उनके जात के लोग बा? जी नहीं, हर जाति का, हम लोग जात पात पर नहीं चलते हैं। वही पवन सिंह। पवन सिंह आप किस जात से हैं? वही राजपूत है। राजपूत है। अच्छा, किस मुद्दे पे यहाँ वोट हो रहा है? विकास के मुद्दा पर ही हो रहा है। वो अपना खुला कह रहे हैं कि जो भी हमारा फंड मिलेगा वो यहाँ के जनता में ही उसको खर्च किया जाएगा।
अखर मान लीजिए वैसे लोग को पैसा का क्या काम है जिसके पास 16 करोड़ मान लीजिए कि तेजस्वीयों को काम नहीं है लेकिन घोटाला में चारा घोटाला में उनका बाबूजी गए ना हो अच्छा, लैंड फोर जॉब में गए ना। अच्छा ये बताइए तेजस्वी जी का पिताजी का उनका इतिहास पिछला उठा के देखिएगा झोपड़ी था साधारण झोपड़ी था आज उनके पास अरबों रुपए का संपत्ति हो गया। तो वो तो मान लोग अभी पैसा खाते लोग बुकाए रहता है चाहे किसी को अंबानी को पैसा ये लोग को ऐसा नहीं है इसका इधर से नहीं उधर से आएगा लेकिन जिसको ललक है कि नहीं हमको नेता बनना है जब नेता बनने का भी ललक है तो वो आदमी चोरी नहीं करेगा। काराकाट को वो अपने माँ से संबोधित किया है ये भी बात सही है कि यहाँ माँ के कहने पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। काराकाट मेरा माँ है तो सही बात है रियली बात है एक बार अवसर देना चाहिए हर लोग हाँ। कह रहा है कि राजपूत उनके साथ है फिर कैसे कह रहे हैं हम तो मन राजपूत बन जाए ना लोग कह रहा है वो लोग कह रहा है लोग कह रहा है ना हम शाहजी हैं तो शाहजी बता रहे हैं कि देखिए एक बार इनको आज तक 40 सालों में कोई काराकाट का नाम नहीं जानता नहीं जानता था लेकिन आने से परिचित हो गया कि नहीं काराकाट है एक लोकसभा बिहार में लोकसभा 40 में से वो काराकाट भी है ये हॉट सीट ये जो बात कहा है कि यहाँ का संसद नहीं बेटा और भाई बनकर आना है इससे बहुत खुश है जनता बहुत खुश है बहुत खुश तो सभे कहता है कि हम बेटा हैं सभे कैसे कह देता है सभे नहीं कहता है नया जो नया अंग ब्लड वो काम करेगा एकदम करेगा है कम एज के लड़के हैं उनसे भी बात करते हैं क्या नाम जैकी कुमार कितना उम्र है अभी उम्र है 16 साल वोट तो नहीं दीजिएगा घर का वोट तो दिला सकते हैं ना किसको वोट दिलाएंगे पवन सिंह को हो कहे पवन सिंह दिलाएगा पावर है भाई पावर है क्या नाम बा सौरभ सिंह क्या लगता पवन सिंह जीतेगा यस कहे जब चले पवन तो रोके कौन अरे बाप रे चले पवन तो रोके कौन हां यस तेरा देह में तो होवे नहीं का पवन में तो उदियाज घर में है ना घर के वोट दिलाएंगे ना तू कल चले पवन तो रोके कौन सही बात बा जब हवा चलेला तो ओकरा सामने क्यों ना रुकेला है उदिया जला जब तूफान आवेला तो तू तो उदिया जी को पहले ही तो का हो जाएगा हम उदियाएंगे पवन सिंह खड़ा रहेगा ना खड़ा रहेगा ना खीरे तब तू तो लोग कह रहा है कि वो नहीं जीतेंगे नहीं जीतेगा के जीतेगा पवन सिंह के सब वोट जाएगा हिलावेला इंडिया जब बाजेला बाजा जब सनकेला भोजपुरिया राजा पवन सिंह पवन राजा वो लोग कह रहा है कि सब लफुआ उनके साथ है हाँ लफुआ क्या है लफुआ है बुढ़ोनो तो पहले लफुए था अब ना जाती हुआ है क्या बोले बुढ़ो लोग पहले लफुए था तब का इस एज से सब कोई गुजरा है क्या लग रहा है कि अच्छा चलिए हम ये तो बात हो गया क्या लग रहा है कि पवन सिंह जीतेंगे तो इस काराकाट का विकास होगा जीतेंगे बहुत बहुत विकास होगा अभी विकास हो गया काराकाट ट्रेंडिंग में चल रहा है काराकाट का कोई नाम नहीं जानता था हम खुद नहीं जानते थे कि काराकाट क्षेत्र है काराकाट क्षेत्र हमारा है हाँ लेकिन अब जान गए अब जान गए काराकाट क्षेत्र हमारा है रायपुर नहीं जानते थे चलिए चलिए कुछ है ना लोबा क्या नाम है नाम है पेलन बाबा पेलन बाबा क्या लग रहा है पेलन बाबा पेलन बाबा क्या लग रहा है चुनाव में दुनिया के मर्डर करने वाला है कौन हटाइए कुल आपको अरे मेरे बात करिए।